नाराज जिला पंचायत सदस्यों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। नाराज सदस्यों ने बताया कि उनका धरने पर बैठने का मुख्य कारण बजट का असमान वितरण है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने को कहा तथा बजट के समान वितरण की मांग की। अभी CDO कार्यालय से जांच का पुलिंदा जिला कार्यालय तक पहुंच गया है। पूर्व में भी जिलाधिकारी ने जांच करी थी, जिसमें जिला पंचायत को दोषी पाया था, यहाँ की कार्यप्रणाली को भी दोषी पाया था। वो जांचें हमारे पास भी हैं, हमने मीडिया को भी उस चीज़ को उपलब्ध कराया है। जहाँ तक बसंती देव जी जिला पंचायत की हमारी माननीय अध्यक्ष हैं, ये किसी का विरोध पर्सनल किसी का कुछ नहीं है, ये विरोध है उन क्षेत्रों का बजट के लिए है, जिस क्षेत्र में 32-32 लाख प्रत्येक क्षेत्र को मिलना चाहिए था, उन्होंने कतिप्रिय अपने चहितों को 32.5 गाँव में 30 लाख रुपए दे दिए, जहां हमारे 18-18, 20-20, 30-30 गांव हैं वहां हमको 7-7 लाख रुपए दे रखे हैं। वो भी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 45 लाख की योजनाएं ऐसी हैं जिसमें पता ही नहीं है वो किस ग्राम सभा में होनी है। तो इसका हमको अंदेशा है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जिला पंचायत में चल रहा है। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर अपने लेटर पैड में लिख के दे जिलाधिकारी को और निदेशक पंचायती राज को कि हमारी जांच करा ली जाए, तो मैं समझूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जिस बजट की आवंटन की बात कर रहे हैं, पहली बैठक जो करी थी उसमें प्रत्येक माननीय सदस्य से अपना विवेकाधीन को रखते हुए 5,77,000 की योजना मांगी थी। नियोजन समिति से सामान्य बैठक में आई, आते आते वो 5,77,000 का एक जियो का हवाला देते हुए 18,77,000 रुपये कर दी। वर्ष हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 और जिला पंचायत बागेश्वर अगर फाइनेंशियल उसके मैटर्स पे देखेंगे, अभी 19-20 के भी इनने भुगतान नहीं करे हुए हैं। अपने चहेते लोगों के भुगतान कर रहे हैं और जो अन्य जो ठेकेदार हैं, जो अन्य क्षेत्रों में हमारे क्षेत्रों में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो उनको भुगतान ना करने के लिए हम, क्योंकि भुगतान करना जिला पंचायत की जवाबदेही है, हम लोगों का जवाबदेही नहीं है। जबकि लोग हमसे शिकायत करते हैं कि आपके वहाँ का जिला पंचायत का हमने काम किया था, आज 2-2 साल हो गए उन पर भुगतान नहीं करने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक बार भी समीक्षा बैठक या अपर मुख्य अधिकारी ने एक बार भी समीक्षा बैठक नहीं ली कि कौन कौन से काम रुके हुए हैं, जबकि इनका नैतिक जवाबदेही थी कि जिला पंचायत के वित्त परामर्शदाता, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी और इंजीनियर जिला पंचायत ने संयुक्त बैठक लेके पूछना चाहिए था कि कौन कौन से काम डिले हो रहे हैं और किनके भुगतान नहीं हुए अभी तक का। बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। सबसे पहले तो बजट का मामला ही चल रहा था और बजट का मामला ये हमारे अपर मुख्य अधिकारी और हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा जी की मिली भगत से ये मुद्दा आज इतनी दूर पहुँचा हुआ है। और इसी बजट को पास कराने के लिए कोतवाल का सहारा लिया गया। कोतवाल बागेश्वर जो है वो भूल गए कि मैं कोतवाल हूँ, मेरे को सुरक्षा के लिए, बागेश्वर की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर मेरी वो जिम्मेदारी है, वो भूल गए। वो सीधे ये मान के चल के आए कि मैं एक सत्ताधारी व्यक्ति हूँ, यहाँ पर आके जो उनकी धौंस दिखाने का जो उनका तरीका था वो बड़े, मैंने सुना उनकी बाइट सुनी थी, उन्होंने कहा था कि मैं शालीनता से अंदर गया। अगर आपकी शालीनता में ऐसी अवस्था में आप दिखते हैं तो आप जब उग्र रूप अपना धारण करते होंगे तो वो अवस्था आपकी क्या होती होगी वो हम समझ सकते हैं। तो देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि बागेश्वर जनपद में हमारे सर्वोच्च सदन की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है और हमारे कोतवाल साहब फिर रहे हैं, लोगों से बैठ देने की बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं मेरे समर्थन में बोलिए। अरे भाई, नेतागिरी सत्ता के दबाव में आकर आपको नेतागिरी ही करनी है, अपने पक्ष में आपने बयानबाजी ही करवानी है, तो आप नौकरी छोड़ के इसी नेतागिरी में आ जाओ। किसने रोका है? आप जैसे काबिल लोग तो चाहिए जो जनता की आवाज़ को दबा सकें, जो जनता की समस्याओं को आगे जाने से रोक सकें, ऐसे लोग चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिलाधिकारी महोदया से और हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्र निवेदन है अभी भी कि आप इसका तुरंत संज्ञान लें और इसमें कार्यवाही करें। और हम लोग इसको जो है, अगर बागेश्वर में कोई सक्षम अधिकारी नहीं होगा इन मुद्दों में बात करने लायक, इन मुद्दों की जांच करने लायक अगर कोई सक्षम अधिकारी नहीं है, तो हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। हम नारियों का अपमान किसी भी कीमत में नहीं सहेंगे, किसी भी कीमत में हमको नारियों का अपमान, अगर आज हमारी बहनों को इस तरीके से डराया जा रहा है एक सदन के अंदर,
हम अपने घर में हैं, अपने सदन में हैं और हमको इतना डराया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अकेले अकेले अपनी आवाज़ कहीं पर उठाते हैं तो महिलाओं को दबाने की जो इनकी नीति है वो शायद फिर बरकरार रहेगी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जिला पंचायत जो परिसर में बैठे हैं धरने में माननीय उपाध्यक्ष समेत माननीय सदस्यगण, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आखिर वो किस बारे में बैठे हैं ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने जिला पंचायत में जो भी बजट का आवंटन किया है वो नियमानुसार किया है और 28 सितंबर को कार्य योजना देने के लिए उनको पोस्ट द्वारा डाक भेजी गई और उसके उपरांत नियोजन समिति की बैठक 10 अक्टूबर को था, तो मैंने उन्हें जो ऑफिस के द्वारा अवगत कराया गया था व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन द्वारा, तो उनके द्वारा बार बार कहने के बाद भी जब प्रस्ताव नहीं दिए गए, तो जो प्रस्ताव मैं विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्षेत्रों में भी प्रत्येक क्षेत्र में गई थी, तो वहाँ से जो प्रस्ताव आए थे उसको सम्मिलित कर मैंने जो नियोजन समिति की कार्ययोजना में रखा, तो उस दिन पास हो गया। जब सामान्य बैठक 10 तारीख को आई तो उसके बाद उनका ये हमेशा का यही रहता है कि जब समय रहता तो वह कार्ययोजना देते नहीं है, जब बजट आवंटन हो जाता उसके बाद उनका इसी बार का नहीं, वो हमेशा से यही करते आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 95 दिन का आंदोलन किया था, क्योंकि उन्होंने 95 दिन का कहा था और दिखाते हैं 75 दिन दिखाते हैं, तो ये गलत है, तो आंदोलन करें। मैं तो यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से नियम से काम करें। उनके द्वारा बताया गया कि ये बार बार की बजट का बंदर बांट किया गया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सदस्य गणेश्वर उपाध्यक्ष से ये पूछना चाहती हूँ कि बंदर बांट होता क्या है आखिर। मैंने पूरे नियम के अनुसार बजट का आवंटन किया है, माननीय उपाध्यक्ष से माननीय सदस्यों का गणों द्वारा जो आरोप है कोतवाल जी के जो अभद्रता वाली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जब मैं बैठक के बाद बाहर आ रही थी उन्होंने मेरा मार्ग भी रोकने की कोशिश की थी, पर लेकिन मैंने सोचा कि परिवार के सदस्य मेरे से हो सकता किसी बात पर नाराज होंगे, तो मैं इस पर ध्यान न देते हुए मैं बाहर को आ रही थी, तो फिर अधिकारी गण भी बैठक खत्म होकर बाहर आ रहे थे, तो उनको रोक कर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैं जब अपने कार्यालय में बैठी तो मुझे पता लगा कि जोर जोर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा अधिकारी कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि हादसा अधिकारियों के साथ भी हो सकता था माननीय सदस्यों गणों के साथ भी, मैंने उनकी सुरक्षा के दृष्टि अंतर्गत मैंने उप जिलाधिकारी बागेश्वर को फोन पर वार्ता की मैंने, और मैंने कहा कि यहाँ पर जिला पंचायत में बैठक समाप्त होने के बाद अधिकारियों को वहाँ पर बंद कर दिया गया है, तो मैंने कहा उनको सुरक्षित बाहर निकालना मेरा काम है, इसलिए आप पुलिस के जवान भेज दीजिए, तो उनके द्वारा पुलिस के कोतवाल और उनको भेजा और दरवाज़ा बिल्कुल सौहार्दपूर्ण से उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर आए, क्योंकि अगर वो सही नहीं मानते ना CCTV फुटेज दे सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।